ये साहब आमिर साहब है, ये साहब मुफ्ती साहब है, ये साहब हजरत जी है, ये साहब पीर कामिल है, ये साहब सूफी बादशाह है, ये साहब वली है, सब कुछ लोग बोल देंगे मगर किसी का ताल्लुक जन्नत की है लेकर आएंगे। जन्नती है नहीं करेंगे। आपने भी ताल्लुक कराया बोले हमारे मौलाना साहब है, हमारे अल्लामा साहब है, मुफ्ती साहब है, हजरत जी है, पीर साहब है बोले होंगे, मगर जन्नती है नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोलते। तख्तियों पे क्यों नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये जन्नती कौन होगा, ये जजमेंट कयामत में होगा, ये फैसला कयामत में किया जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा आलिम हो फैसला कयामत में होगा, कितना भी बड़ा पीर हो फैसला कयामत में होगा, कितना भी बड़ा मुफ्ती हो फैसला कयामत में होगा, कितना भी बड़ा हजरत हो फैसला कयामत में होगा, कितना भी बड़ा सूफी हो फैसला कयामत में होगा, कितना भी बड़ा वली हो फैसला कयामत में होगा। जब जन्नत की जन्नत में जाएंगे तो तब कहा जाएगा ये जन्नत की है, लेकिन दुनिया में किसी को भी तारुफ के तौर पर जन्नत की नहीं कहा जाता, टाइटल के तौर पर जन्नत की नहीं कहा जाता, किसी के नाम के साथ जन्नत की नहीं लिखा जाता, किसी की खबर की तख्ती पर जन्नत की नहीं लिखा जाता। ये दुनिया वालों के लिए है, अव्वल का आखिर सब का मामला यही है, सारे अच्छों का मामला यही है, सारे नेकों का मामला यही है, मगर कुर्बान जाओ मेरे हुसैन के। अरे जब मेरा हुसैन पैदा हुआ तो हुसैन नाम बाद में रखा गया, जन्नती जनाबों का सरदार में एक अंतर किया मेरे हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार पहले कहा गया। अच्छा क्यों कहा गया? रब जानता था कयामत के करीब एक कौम आएगी और वो कहेगी कि हुसैन गलती पे थे करबला में, नौ चिंता क्या कहेगी हुसैन गलती पे थे करबला में, हुसैन गलती पे थे नौ चिंता, कौन कहेगी हुसैन करबला में गलती पे थे नौ चिंता, क्योंकि वो यजीद के चेले होंगे, वो नस्ले यजीद होंगे।